नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी दोस्त हो जाओ तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र का ये शेर कहीं ना कहीं हमारे जमीर और आत्मसम्मान की बात करता है। ये लाइन मौजूदा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए भी है। राजनीति में विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने विरोध की आग में ऐसा नहीं जलना चाहिए कि सारी मर्यादा को ही लांघ दिया जाए। बहुत से नेता ऐसे हैं कि विरोध करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि एक समय में ऐसा लगने लगता है कि वे अपनी मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। बात चाहे पीएम मोदी के लिए भद्दे शब्दों के इस्तेमाल करने की हो, या फिर अभी हाल ही में बीजेपी से टिकट मिले अभिनेत्री कंगना रणावत के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने की हो, यह कृत दिखाता है कि आपकी जहनियत कैसी है और आप विरोध के नाम पर किस हद तक गिर सकते हैं। जी हां, कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत के लिए जिस तरह से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, वो इस बात की दलील है और मानसिक दिवालियापन को भी दर्शाता है। हालांकि सुप्रिया सिनेत ने इस पोस्ट के लिए माफी मांग ली, लेकिन कहने का मतलब यह है कि सिर्फ माफी मांग लेना काफी है क्या? माफी मांग लेने से किसी की जहनियत तो नहीं बदल जाएगी। खैर, सुप्रिया सिनेत ने माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा उसे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको पूरा मामला थोड़ा तफसील से बता देते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद सुप्रिया सिनेत के इंस्टाग्राम आईडी पर कंगना की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। बस इसी पोस्ट से बवाल हो गया और लोगों का गुस्सा फूट गया कि कोई महिला किसी महिला के लिए ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। सिनेत के इस पोस्ट के बाद कंगना ने भी करारा जवाब दिया। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने एक्स हैंडल पर जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना रनौत के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने भी सिनेत की इस पोस्ट की आलोचना की। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। दीज आर द पीपल हु टॉक अबाउट मोहब्बत, but sometimes they abuse the prime minister, they abuse the prime minister's late mother, they make all kinds of derogatory comments about Shakti, they want to eliminate Sanatan. So first they have attacked Shakti, and now Karnataka Congress minister Shivraj Tangadagi is attacking Yuva Shakti, then they attack Nari Shakti, because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Sinet, she has made disgusting comment and poster on Kangana Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti, to Desh Shakti, to Sainya Shakti, to Yuva Shakti, to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. Shahzad Poonawala ke alawa Kendriya Mantri Smriti Irani ne bhi is pure maamle mein tippadi ki hai। स्मृति ईरानी ने कंगना के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, कंगना की राजनीति में यह शुरुआत इस बात का रिफ्लेक्शन नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। इसके अलावा अभिनेत्री और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस और सुप्रिया सिनेत को टैग करते हुए लिखा, बिल्कुल भयावह और घृणित पोस्ट, यह अधिक चौंकाने वाला है क्योंकि यह किसी अन्य महिला से आया है। यह मत भूलो कि तुम एक माँ से पैदा हुए हो और तुम भी एक माँ हो। संभवतः जब आप हारने के प्रति आश्वस्त होते हैं तो कोई अपने मालिकों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। क्या कांग्रेस सुप्रिया को बर्खास्त करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी?
वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी कंगना के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कंगना आप एक फाइटर हैं, शाइनिंग स्टार हैं। जो लोग असुरक्षित होते हैं वे इस तरह की गिरी हुई हरकतें करते हैं, चमकते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से कंगना के लिए पोस्ट किए जाने के बाद सभी कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत को खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं सिनेत ने जब ये देखा कि ये तो पूरा पासा ही उल्टा हो गया और वे खुद ट्रोल होने लगी, तो फिर सिनेत ने एक बयान जारी कर दिया और कहा कि यह पोस्ट एक पैरोडी अकाउंट से चल रहा था, यहां से किसी ने यह पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, मैं ऐसा करने वाले की पहचान में लगी हूं। सुप्रिया सिनेत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं, मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ, तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है सुप्रिया पैरोडी के नाम से, वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया सिनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं, न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है, महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। तो सुना आपने, सुप्रिया सिनेत का कहना है कि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उन्हीं में से किसी ने घृणित काम किया है, वे कौन है इसका पता लगा रही हैं। वैसे पोस्ट हुए एक दिन गुजर गया है और अभी तक सिनेत को पता ही नहीं चला कि ये किसने किया है। खैर, जो भी हो, इसकी जिम्मेदारी कम से कम सुप्रिया सिनेत को तो लेनी चाहिए। आप एक दूसरी बड़ी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और कोई आपके अकाउंट से इतना घृणित काम करता है और आपको पता भी नहीं चलता, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।